अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय मैथमेटिक्स चैनल। आई एम शाह हुसैन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टॉपिक अबाउट कॉन्वोल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन एंड आल्सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। बेसिकली कॉन्वोल्यूशन इज़ एन इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म टूल। इट इज़ आल्सो अप्लाइड टू सॉल्व इनवर्स लैपलास टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डेफिनेशन को, और हमारे पास डेफिनेशन क्या है कॉन्वोल्यूशन। If f of t and g of t be piecewise continuous function, function over the interval 0 to infinity, 0 पे क्लोज इंटरवल है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल है, देन द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन is denoted and defined as, यानी हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन f star g is equal to 0 to t f of u g of t minus u du। ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन का। अब यहाँ पर हेयर स्टार सिंबल और दिस रिप्रेजेंट represent the convolution and f and g are the function of t of variable t and here u is a dummy variable, also here u is a dummy variable। मतलब क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल यू की बजाय हम वेरिएबल कोई और एक्स ले सकते हैं, वेरिएबल टाउ यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? इफ़ एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज इंटरवल है, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में है, देन द कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज f convolution g equal है integral limit 0 to t f of u g of t minus u du। ये हमारे पास फॉर्मूला है convolution का, और यहाँ पर इससे related मज़ीद notation है, हम write करते हैं not। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है f of t convolution g of t, इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम, f convolution
जी, और यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं टी, इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं एफ कॉन्वोल्यूशन जी, और यहाँ पर सिंपल टी राइट कर दिया, या इससे और सिंपल फॉर्म में राइट करने के लिए हमने क्या राइट कर दिया, एफ स्टार जी। यहाँ पर स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्टार जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्वोल्यूशन को। और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड नोट में ये है कि यहाँ पर हमारे पास एफ कॉन्वोल्यूशन जी, इसको सिंबल स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी एफ स्टार जी, या फिर हम इसको यहाँ पर स्टार यूज़ कर लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ स्टार जी से। अब यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला है कॉन्वोल्यूशन का। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन ये है कि कॉन्वोल्यूशन इज़ कम्यूटेटिव, इट मींस के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कॉन्वोल्यूशन पर। यानी हमें ये पता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कॉन्वोल्यूशन इज़ अ कम्यूटेटिव दैट इज़ एफ कॉन्वोल्यूशन जी इक्वल है जी कॉन्वोल्यूशन एफ के। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ऑन कॉन्वोल्यूशन। अब हम इसे प्रूफ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है एफ कॉन्वोल्यूशन जी। बाय फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटीग्रल 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, टी माइनस यू को हम पुट कर लेते हैं वी। पुट किया टी माइनस यू इज इक्वल टू वी, देन हमारे पास जब मैं इसका डिफरेंशियल लूँगा तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू यू यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है यू है। तो जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये बनेगा माइनस का डी यू इज इक्वल टू डी वी। और अगर मैं नेगेटिव को राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँ तो हम कह सकते हैं डी यू इज इक्वल टू नेगेटिव का डी वी। अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे when u is equal to 0, when u is equal to 0, then हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर u की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो v क्या बनेगा, then v is equal to t and when u approaches to t अगर मैं यहाँ पर u की वैल्यू t पुट करूँगा तो v किसको अप्रोच करेगा, then v approaches to 0। अब इसका मतलब है हम इस पे अप्लाई करते हैं सब्स्टिट्यूशन को जो हमने पुट की है। तो अगेन इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वन बिकम्स, यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में एफ कॉन्वोल्यूशन जी इज़ इक्वल टू
इंटीग्रल ज़ीरो, ज़ीरो किस में चेंज हुई है, लिमिट टी में, यहाँ पर हमारे पास आएगी लिमिट टी। और जो हमारे पास नेक्स्ट है टी, वो किस में चेंज हो गया, ज़ीरो में, तो यहाँ पर बना टी से ज़ीरो, ये हमारे पास बना एफ ऑफ यू। यू की वैल्यू क्या है, अगर हम यहाँ से यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको इंटरचेंज करेंगे, टी माइनस वी इज़ इक्वल टू यू। इसका मतलब यू की वैल्यू बनी हमारे पास टी माइनस वी, और यहाँ पर जी टी माइनस यू की वैल्यू क्या है, टी माइनस यू की वैल्यू हमारे पास है वी, और डी यू की वैल्यू क्या है, डी यू की वैल्यू है हमारे पास माइनस का डी वी। अब हम क्या करेंगे, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव को स्टार्ट में राइट किया तो ये बना हमारे पास ज़ीरो से ले कर टी इंटीग्रल लिमिट टी से ले कर ज़ीरो, नेगेटिव स्टार्ट में राइट कर दिया, एफ ऑफ टी माइनस वी जी ऑफ वी डी वी, और यहाँ पर है एफ कॉन्वोल्यूशन जी, एफ कॉन्वोल्यूशन जी इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि हमारे पास इंटेग्रल ए से ले कर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो अगर हम इसे इंटरचेंज करेंगे, लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, तो कोफिशेंट की साइन चेंज हो जाएगी, यानी जब मैं इसे बी से ए लिखूँगा तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारे पास बना है, इसको लिमिट को प्लस बनाना है, तो ये हमारे पास बनेगा इस वक्त कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल टू ज़ीरो टू इंटेग्रल लिमिट ज़ीरो टू टी एफ ऑफ टी माइनस वी, और ये बनेगा हमारे पास जी ऑफ वी डी वी। अब अगेन हम एक स्टेप में इसको अरेंज करते हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ विद जी इज इक्वल टू ज़ीरो इंटीग्रल लिमिट ज़ीरो टू टी, इसको रीअरेंज किया जी ऑफ वी इन टू एफ ऑफ टी माइनस वी डी वी। अब हमारे पास अगेन ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ जी डी जी है, तो हम इसे इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स राइट कर सकते हैं, यानी अगर डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को चेंज करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास इसे रीअरेंज करते हैं, इट मींस कि ये हमारे पास बना एफ स्टेरिक जी एफ कॉन्वोल्यूशन जी इज इक्वल टू ज़ीरो टू टी इंटीग्रल की लिमिट है, ये हमारे पास अगेन बन चुका है जी ऑफ, उसी फॉर्म में रिप्लेस करते हैं वी को यू में, ये बनेगा यू एफ ऑफ टी माइनस यू डी वी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन ये हमारे पास वही बन चुका है, किसके इक्वल है, एफ कॉन्वोल्यूशन जी, और अगर जी पहले है तो इट मींस कि हमारे पास एफ कॉन्वोल्यूशन जी इज इक्वल है जी कॉन्वोल्यूशन एफ। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूफ की है कि कॉन्वोल्यूशन इज़ कम्यूटेटिव, यहाँ पर यानी एफ कॉन्वोल्यूशन जी इक्वल आ चुकी है जी कॉन्वोल्यूशन एफ, ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी। अब हम प्रूफ करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमें हेल्प करेगा लैप्लास इनवर्स फाइंड करते हुए क्वेश्चन की। तो यानी हमारे पास सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, हम राइट करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अब इसका सेकंड नेम भी है, इसको फाल्टंग थ्योरम भी हम बोलते हैं, हमारे पास इसका जो सेकंड नेम है वो है फाल्टंग थ्योरम। अब सबसे पहले इस थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ़ लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन कैपिटल जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी,
देन लिप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू कैपिटल जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी। ये हमारा प्रूफ है, हम इसे प्रूफ करेंगे और इसे हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वोल्यूशन। हमारे पास कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, बिकॉज एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इक्वल है इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ये हमारे पास फार्मूला है कॉन्वोल्यूशन का। अब हम क्या करेंगे, इस पर लैपलास अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी और राइट साइड पे लैपलास ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। अब क्या करेंगे, राइट साइड पे लैपलास का फार्मूला अप्लाई करेंगे। लैपलास ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल है इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये लास्ट टाइम हमने फार्मूला डिस्कस किया था। लेफ्ट साइड रहेगी सेम, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, ये सेम राइट कर देंगे। ये हमारे पास है फंक्शन इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। ये फंक्शन और इसके साथ होगा इंटू में ई रेज टू पार माइनस एस टी डी टी। अब हम इसे अरेंज करते हैं, ये पहले राइट कर देते हैं इसको लास्ट में ऑपरेटर को। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लैपलास ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी और सेकेंड इंटीग्रल जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू ई रेज टू पार माइनस एस टी डी यू डी टी। अब यहाँ पर हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। तो इसके लिए हम इसको ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रेंज को। अब हमारे पास इस वक्त फंक्शन क्या है, हमारे पास इस वक्त एक फंक्शन है, एक हमारे पास वेरिएबल है टी और एक वेरिएबल है यू। यहाँ पर यू क्या है, हमने पहले इसमें स्टडी किया हुआ है कि कॉन्वोल्यूशन में यू डमी वेरिएबल है। यहाँ पर हम यू को एक्स भी ले सकते हैं, टाओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ टी ले लेते हैं और वाई एक्सिस की तरफ ले लेते हैं यू। सेम जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमारा होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। अब हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो। तो इट मीन्स यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यू इक्वल टू ज़ीरो और वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब आप नोटिस करें, ये वाली लिमिट फर्स्ट किसकी है, इंटीग्रल पे ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये लिमिट है वेरिएबल टी की। टी क्या है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास टी है ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और सेकंड जो हमारे पास लिमिट है वो है वेरिएबल यू की। यू क्या है, वेरिएबल यू हमारे पास है इस वक्त ज़ीरो टू टी। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यू है हमारे पास इस वक्त ज़ीरो टू टी। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ये पॉइंट समझने से रिलेटेड है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ राइट कर रहा हूँ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ यू इज़ इक्वल टू टी। अब डेफिनेटली यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर यू क्या है, यू भी ज़ीरो है, टी भी ज़ीरो है। अब नेक्स्ट है यू इज़ इक्वल टू टी। याद रखिएगा कि अगर एक्स इज़ इक्वल टू वाई है तो हमारे पास
इक्वेशन की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी, वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी। स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को। तो डेफिनेटली यहाँ पर u इज इक्वल टू t है, या कह लें t इज इक्वल टू u है, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी t इज इक्वल टू u। ठीक, अब t है 0 to infinity लेफ़्ट टू राइट ऐसे, और u है हमारे पास 0 to t। इसका मतलब है कि यहाँ पर ग्राफ की जो स्ट्रिप बन रही है, ग्राफ की ये जो स्ट्रिप बन रही है, ये हमारे पास है वर्टिकल स्ट्रिप, ये है हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्योंकि हम करना चाहते हैं चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। इसका मतलब है कि एक हम और डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि की है तो डेफिनेटली ये ज़ीरो था, यहाँ पर टी था, और यहाँ पर हमारे पास है यू एक्स, टी एक्सिस पे यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो और यू एक्सिस पे हमारा टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन क्या रहेगी, डेफिनेटली ये सेम रहेगी, यहाँ पर t इज़ इक्वल टू यू। बेसिकली हम ऑर्डर चेंज करने से मुराद ये है कि ये स्ट्रिप को चेंज कर रहे हैं, ये वर्टिकल है, हम इसे हॉरिजेंटल कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास है जो t है 0 to infinity है, 0 to infinity है। अब हमने इसको रिप्लेस किया, चेंजिंग किया ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को, तो u क्या है 0 to infinity, ये हमारे पास y एक्सिस पर चला गया है, और t हमारे पास क्या है, सेकंड u क्या है, u है 0 पे 0 t पे t। तो यहाँ पर ये हमारे पास, अगर हम स्ट्रिप लेते हैं ये वाली अलोंग x एक्सिस, अगर हमारे पास ये स्ट्रिप है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि इस वक्त ये पॉइंट लें तो इस पॉइंट पे डेफिनेटली u इक्वल टू t है, या कह लें t इक्वल टू u है, और राइट साइड पे जाएंगे तो किस तरफ जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कुछ इस तरह बनेगा, चेंजिंग बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास लेफ़्ट साइड सेम रहेगी, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे टी था 0 to infinity, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा 0 to infinity। इसका मतलब है ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, इस पे 0 to infinity ये किसकी लिमिट है, ये लिमिट रेंज है यू की। अब यहाँ पर हमारे पास टी की रेंज क्या बन रही है, हमारे पास टी की रेंज बन रही है, यहाँ पर टी किसके इक्वल है, यू, यहाँ पर है टी इज़ इक्वल टू यू, और टू कहाँ पे है, टू टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ यू है, जी ऑफ टी माइनस यू है, ई रेज टू पार माइनस एस टी है, क्योंकि ये फर्स्ट इंटेग्रल जो है ये हमारे पास है वेरिएबल यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा डी टी और यहाँ पे आएगा डी यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको टी माइनस यू को पुट कर लेते हैं। इससे पहले, क्योंकि मैं इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ वेरिएबल टी को, तो इसे स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 to infinity एफ ऑफ यू, ये बनेगा इंटीग्रल यू टू इन्फिनिटी, और जी ऑफ टी माइनस यू ई रेज टू पार माइनस एस टी, ये बन चुका है डी टी, यहाँ पर ये इतना बन चुका है हमारे पास डी टी, और ये साथ कंप्लीट पे जो हम पुट कर रहे हैं ऑपरेटर डी यू। अब यहाँ पे टी माइनस यू को मैं पुट करता हूँ, पुट किया टी माइनस यू इज़ इक्वल टू वी। अब डेफिनेटली जब इसकी सब्स्टिट्यूशन की है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है टी, ये सारा अब किस में चेंज हो जाएगा, वी में, क्योंकि ऑपरेटर वेरिएबल बता रहा होता है, किस में चेंज हो जाएगा, वी में। तो डेफिनेटली यहाँ पर
नेक्स्ट में हमारे पास टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इज़ इक्वल टू बनेगा यू प्लस वी, यानी ये राइट साइड पे शिफ्ट कर ली। इट मींस कि जब मैं इस पे डिफरेंशियल लूँगा यूजिंग डिफरेंशियल, तो इस पे डिफरेंशियल लें या इस पे, ये हमारे पास बन जाएगा टी पे डी टी। और क्योंकि नेक्स्ट न्यू वेरिएबल जो है हमारे पास डमी वेरिएबल वो वी है, तो ये क्या बनेगा, डी वी बन जाएगा। अब लिमिट भी डेफिनेटली चेंज होगी, लिमिट को डिस्कस करते हैं। व्हेन ये किसकी लिमिट है, यू की, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास, सॉरी ये किसकी लिमिट है, टी की, यहाँ पर हमारे पास टी क्या है, टी इक्वल टू यू, तो मैं कहूँगा व्हेन टी इज़ इक्वल टू यू, टी इज़ इक्वल टू यू, देन आप नोटिस करें जब यहाँ पर टी की वैल्यू मैं यू पुट करूँगा, यू माइनस यू वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड व्हेन यहाँ पर टी क्या है, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, देन जब यहाँ मैं टी इन्फिनिटी पुट करूँगा तो डेफिनेटली वी भी किसको अप्रोच करेगा, वी भी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। आप नोटिस करें इसमें मैं इक्वल राइट कर रहा हूँ, इसमें मैं इक्वल नहीं राइट कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो अपर लिमिट है इस पे ओपन इंटरवल है। जब हमने डेफिनेशन स्टडी की थी तो लोअर इंटरवल, लोअर लिमिट को क्लोज इंटरवल में राइट किया था, अपर इंटरवल को ओपन इंटरवल में राइट किया था। सो दिस बिकम्स, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू, ये बना हमारे पास ज़ीरो, इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू। अब डेफिनेटली इस पे लिमिट चेंज हो गई है, लिमिट क्या बनी है, टी जो था वो किस में चेंज हो गया, ज़ीरो में, और इन्फिनिटी डेफिनेटली अगेन इन्फिनिटी में ही है। जी ऑफ टी माइनस वी किस में चेंज हो गया, वी में, और ई रेज टू पार माइनस एस टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है हमारे पास यू प्लस वी, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी यू प्लस वी, और इसका ऑपरेटर हमारे पास क्या है, डी टी, डी टी किस में चेंज हो चुका है, डी टी चेंज हो चुका है डी वी, तो यहाँ आएगा डी वी, और कंप्लीट नेक्स्ट का ऑपरेटर आएगा डी यू। अब क्या करते हैं, हम इसे अगेन सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, लैपलास एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू हमारे पास है ज़ीरो टू इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, ज़ीरो इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी जी ऑफ वी, ई रेज टू पार माइनस एस इंटू यू प्लस वी को सेपरेट राइट करूँगा, तो ये बनेगा ई रेज टू पार माइनस का एस यू इंटू ई रेज टू पार माइनस का एस वी डी वी इंटू डी यू। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को राइट करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रल लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या है, राइट साइड पे हमारे पास इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू, डेफिनेटली हम इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वी देखेंगे, तो ई रेज टू पार माइनस एस यू स्टार्ट में राइट करेंगे, ई रेज टू पार माइनस एस यू, ये बनेगा इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर बनेगा जी ऑफ वी ई रेज टू पार माइनस एस वी, और ये बनेगा डी वी, और यहाँ पर बनेगा डी यू। अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इस पे फार्मूला, और फार्मूला किसका है, लैपलास का, जो हमने पहले से स्टडी किया हुआ है, ऑपरेटर इसमें चेंज हो रहा है, हमने ये पहले से ही पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल में, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ जी डी जी, इसको राइट कर सकते हैं इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं चेंज, तो लेफ़्ट साइड हमारी क्या रहेगी, सेम, ये बनेगा लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी कन्वोल्यूशन जी ऑफ टी, और राइट साइड पे इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ
यू ई रेज टू पार माइनस एस यू, ये फार्मूला किसका बनेगा, लेप्लास का। बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा कैपिटल जी ऑफ एस, कैपिटल जी ऑफ एस, और ये रहेगा हमारे पास डी यू। अब राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा है, यू, तो इसको हम एस वाले को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं। ये सेम रहेगा लेप्लास एफ ऑफ टी कन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू जी ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू पार माइनस एस यू डी यू। अब ये अगेन फार्मूला बन चुका है, अब फार्मूला किसका बन चुका है, एफ ऑफ एस का। तो इसका मतलब है लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी इज़ इक्वल टू जी ऑफ एस, ये अगेन फार्मूला बन चुका है कैपिटल एफ ऑफ एस। लेप्लास पे लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कॉन्वोल्यूशन एफ ऑफ टी विद जी ऑफ टी इज इक्वल टू लेप्लास इन्वर्स कैपिटल जी ऑफ एस एफ ऑफ एस। तो ये फार्मूला था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का जो हमने प्रूफ किया है। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा ये एक एमसीक्यूज़ के तौर पे पिन पॉइंट है, हमें सपोर्ट करेगा कि अगर हमारे पास ये लिखी हुई है इस फॉर्म में लेप्लास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, तो हम इसको इक्वल टू लेप्लास ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इनटू कैपिटल जी ऑफ एस राइट नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास अगर ये राइट किया हुआ है कि हमारे पास है लेप्लास ऑफ एफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी, तो डेफिनेटली ये वाली वैल्यू हमारे पास, हम इसको इस फॉर्म में भी नहीं राइट कर सकते लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, यानी लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ टी, इसको हम नहीं राइट कर सकते एफ ऑफ एस कॉन्वोल्यूशन जी ऑफ कैपिटल जी ऑफ एस। तो ये सम टाइम कन्फ्यूज करता है पॉइंट। फॉर्मूला क्या है, लेप्लास ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू जी ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एस। तो ये हमारा फार्मूला था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का, जिसका सेकंड नेम था फाल्टिंग थ्योरम। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने की, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। डियर ऑल, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो या कहीं आपको इस थ्योरम से रिलेटेड एरर मिले तो ज़रूर इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।